हेलो नमस्कार बच्चों, ये पीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है। मैं हूँ ब्रजेश चौधरी और आज आपके लिए जो कराने वाला हूँ फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो कि अपना 1.1 का चल रहा था एक्सरसाइज का। तो इससे पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुका हूँ और आज मैं जो कराने वाला हूँ आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन, और जो कि आपको किस तरीके से देखना है। देखिए, यदि फलन हमारे कैसे हैं FGS के, इस तरीके से फलन है जो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में वो परिभाषित है, और जहां fx का मान आपको क्या दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है, और gx का मान आपको cos x दे रखा है, और hx जो आपको दे रखा है 2x+3, और यहां पर इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहला काम होगा हमारा इसको लिखना, ठीक है, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसको लिखने का तरीका होगा एच ऑफ गॉफ और एक्स। तो हम इसको किस तरीके से खोलेंगे, तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर एफ ओ और इसको गॉफ एक्स को किस तरीके से खोलते हो, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, ठीक है, ये एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का मान क्या है आप यहां से देखेंगे, जी और एफ एक्स का मान क्या है, आप एफ एक्स का मान देखिए इसमें कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे आगे सॉल्व करेंगे इसको, एच ऑफ जी एक्स स्क्वायर, अगर हम बात करें जी एक्स स्क्वायर की, तो जी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो जी एक्स स्क्वायर का मान यहां पर क्या है, जी एक्स है, और जी एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, जी एक्स स्क्वायर की बात करें, तो जी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, जहां पर एक्स है वहां स्क्वायर कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। केवल यहां पर जब जी एक्स है तो कॉस एक्स है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगी आपकी, कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फंक्शन बन गया है, तो इसको छिपा लिया जाता है, तो ये बन जाएगा एच एक्स, और एच एक्स हमको दे रखा है कितना, 2x+3, तो आप क्या करेंगे 2, और यहां पर क्या रखेंगे, जो एच एक्स की वैल्यू है, तो एच एक्स की क्या है आपकी, कॉस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहां पर कितना चल रहा है आपका 3, तो कितना हो जाएगा आपका 2 cos x² + 3। अभी देखो आपने क्या लिया था, यहाँ पर x रखा था, x रखने से आपने क्या निकाल दिया, 2 cos x² + 3 निकाल दिया। अब इसको आपको क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, √2π की, इससे बाहर अगर √2π लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोबारा से करें, एच ऑफ cos, अगर यहां पर जब एक्स है, अगर मैं यहां पर क्या देता हूं √2π, तो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन, इसका कितना निकला था, ये निकला था जहां पर एक्स आ रहा है वहां एक्स की वैल्यू √2π रख देंगे, तो 2 cos x की देंगे कितना रखना है √2π, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो यहां भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से देखेंगे स्क्वायर से √ यहां से कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो यहां आएगा ये आएगा 2 cos 2π + 3। अब आप जानते हैं cos 2π की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, आपको याद होनी चाहिए क्योंकि 11th क्लास में आप पढ़ गया है कि cos 2π का मान कितना होता है, प्लस का 1 होता है, तो यहां से देखेंगे आप 2 × 1 + 3, तो कितना हो जाएगा आपका 5, जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो दोबारा से सुनिए कि हमारा जो 3 फलन इस तरीके से दे रखे थे जो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में परिभाषित थे, और दूसरी बात इसमें क्या, एफ एक्स का मान जो दे रखा था एक्स स्क्वायर दे रखा था, और जी एक्स का मान जो दे रखा था वो कॉस एक्स दे रखा था, और एच एक्स का मान 2x+3 दे रखा था। हमें एच ऑफ गॉफ एक्स यहां से √2π का मान ज्ञात करना था, तो पहले इसको लिखेंगे किस तरीके से, एच ऑफ गॉफ एक्स को कैसे खोलते हैं, गॉफ एक्स कैसे खोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर यहां रखा, क्या हो गया जी एक्स, लेकिन जी एक्स इसमें कॉस एक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसलिए हम इसको अलग से कर दिया, यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर का मान क्या हुआ, कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसका जब हल हो गया तो एच ऑफ इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एच ऑफ एफ, तो कितना निकलेगा आपका, यहां से आप देखेंगे कि एच एक्स है, एच एक्स का मान एच एक्स में रखेंगे,
इसमें रखेंगे तो कितना होगा, टू एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू उठा करके रखेंगे तो आपका निकल जाएगा टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब इसको जब आगे सॉल्व करें, सॉल्व किया तो कितना आ गया, टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, अंडर रूट टू पाई अगर बाहर है क्योंकि अभी हमने हल किया था एक्स से, लेकिन एक्स की जगह अगर अंडर रूट टू पाई हो तो हमारी जो मान होगा वो क्या निकलेगा, तो हमने अंडर रूट टू पाई को यहां रखा है तो जहां जहां एक्स है वहां आप उसको अंडर रूट टू पाई मान को रख दीजिए, और रखने के बाद हम देखेंगे कॉस टू पाई का मान कितना होता है, वन होता है, कितना होता है वन, और वन का मल्टीप्लाई अगर दूसरे करते हैं तो टू और थ्री उसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा फाइव। तो इस तरीके से आपका फाइव वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो गया। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।